अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 2017 में आया था। वो इस तरीके से है, प्रूव दैट इन ए मैट्रिक्स स्पेस एवरी ओपन स्पेयर इज़ एन ओपन। तो पहले तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ये ओपन स्पेयर आखिर है क्या। ठीक है, ओपन स्पेयर, ओपन बॉल, ओपन डिस्क सारी वही आ जाती हैं। ओपन में एक्चुअली है क्या, देखिए जैसे ये एक स्पेयर है, स्पेयर है तो इस स्पेयर के अंदर सेंटर होगा, इसकी रेडियस होगी। ठीक, अब ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को छोड़कर वो सारे पॉइंट जो इसके अंदर के हैं एक सेट अपने अंदर रख लेता है, उसको हम ओपन स्पेयर कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ कोई मैं पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ एक्स, तो एक्स और एक्स नॉट दोनों की जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस मेरी आर के इक्वल होगी, आर नॉट के। अगर मेरी डिस्टेंस आर नॉट से कम है, इसका मतलब ये होगा वो सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे मेरे, इसके नीचे होंगे, यहाँ होंगे सारे पॉइंट्स, वो कहीं भी ले सकते हैं आप। तो बस यही हमारे क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट का इकट्ठा कर लेना जिसकी डिस्टेंस किसी रेडियस से कम आ जाती है, तो वो हमारे कहलाते हैं ओपन स्पेयर, अगर हम स्पेयर के अंदर बात कर रहे हैं। अगर हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसी रियल लाइन के अंदर, तो रियल लाइन में भी हम ऐसे ही बात करते हैं। रियल लाइन में हमको एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, एक एक्स कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से कम रहने देते हैं, जैसे एप्साइला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एप्साइला इधर और एप्साइला इधर। ठीक है, रियल लाइन में एक ही लाइन होती है, तो हमारे जो पॉइंट्स आते हैं निकल कर, वो सारे पॉइंट इधर के आ जाते हैं जो डिस्टेंस एप्साइला से कम कम हो, कम कम वाले, यानी एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एप्सिलॉन, यहाँ एक्स माइनस एप्सिलॉन, तो इन दोनों के बीच के जो पॉइंट्स आते हैं वो मेरे इसके अंदर आ जाते हैं, हम जनरली इसको इंटरवल कहते हैं। दोस्तों जो ये ओपन कंडीशंस होती है हर जगह पर, ये अलग अलग तरीके से डिफाइंड की जाती है। जैसे यहाँ पर ओपन इंटरवल के फॉर्म में आ रहा है, और मैट्रिक्स में हम जो ओपन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है हमारा, एक ओपन स्पेयर है। सेम कंडीशन हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ऐसी आती है। कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, कहीं पर भी कोई पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, तो उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, कुछ फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ तक। जैसे हमने डेल्टा डिस्टेंस ले लिए, तो डेल्टा डिस्टेंस जितनी भी पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस डेल्टा होगी, तो वो सारे पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो वो डिस्टेंस जो डेल्टा से कम कम वाले पॉइंट्स के हैं, तो जेड माइनस के जेड नॉट का मॉड लेस देन डेल्टा, तो ये भी क्या है हमारा, एक ओपन कंडीशंस कहलाती है। तो यहाँ पर ये ओपन सर्कल के फॉर्म में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेयर है वो ये है कि जिसके डिस्टेंस क्या हो, इन दोनों पॉइंट से क्या होनी चाहिए, कम होनी जानी चाहिए, तो वो हमारे क्या जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था ओपन के बारे में, ओपन किससे कहते हैं, ओपन स्पेयर हमारे समझ में अब आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि ओपन स्पेयर इज एन ओपन, अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो दूसरा जो वाला जो वर्ड आ रहा है ओपन, तो उसका जो मतलब है वो है ओपन सेट से, यानी कि हम ओपन स्पेयर को ओपन सेट दिखाएंगे। अब ओपन सेट कैसे दिखाते हैं दोस्तों, होता क्या है कि ओपन सेट बनने के लिए सेट के जितने भी मेंबर होते हैं वो अपने अंदर एक नेबरहुड रखते हैं। नेबरहुड ये कह दीजिए या कह दीजिए ओपन स्पेयर या ओपन सेट कह दीजिए, अपने अंदर रखते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, रियल एक्सिस में बात कर लेते हैं पहले, एक्स कोई पॉइंट है, ये मेरा सेट आ गया, एक सेट मैंने ले लिया एस, जीरो से लेकर वन तक। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं अगर यहाँ पर छोटे छोटे इंटरवल्स बना लूँगा, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सब पर इंटरवल बन जाएगा आराम से, तो ये सारे इंटरवल्स हैं ना, तो ये सारे इंटरवल इसी सेट के अंदर तो आ रहे हैं। अगर मैं रेंडमली कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, मैंने कंसिडर कर लिया चलो यहाँ से वाई, तो वाई मेरा किसी आई के अंदर होगा, ये इंटरवल है, तो वाई मेरा किसी आई के अंदर चला जाए, आई मेरा ओपन इंटरवल है। ठीक है, वो मेरा सेट के अंदर कंटेन हो जाए, ओपन इंटरवल सेट के अंदर कंटेन हो जाता है, तो ये सेट होता है वो ओपन सेट कहलाता है। डेफिनेशन ये हो गई, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसका हर एक पॉइंट एक नेबरहुड रखता हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर सेम डेफिनेशंस है ओपन स्पेयर की भी। ओपन स्पेयर कैसे दिखाएंगे, ओपन स्पेयर दिखाने का तरीका बिल्कुल सेम, एक ऐसा स्पेयर जिसका हर एक पॉइंट के पास भी क्या हो, एक ओपन बॉल हो, एक ऐसा स्पेयर
जिसके हर एक पॉइंट के पास भी क्या हो, ओपन बॉल या ओपन डिस्क या ओपन बॉल या ओपन स्पेयर कुछ भी कह सकते हैं आप हो, तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये सब ये नेबरहुड कहलाते हैं दोस्तों। रियल लाइन में नेबरहुड बोल देते हैं, इंटरवल बोल देते हैं, और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इसको सर्कल बोल देते हैं, यहाँ पर स्पेयर बोल रहे हैं। तो ऐसा सेट, ये सेट जो है ऐसा सेट जिसका हर एक पॉइंट पर क्या होने चाहिए, ओपन स्पेयर अगर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन सेट कह देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर डेफिनेशन थी, क्वेश्चंस था जिस पर हमें काम करना है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से प्रूफ करना है मीटिंग स्पेस के अंदर कि ओपन स्पेयर इज एन ओपन। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग एक्स डी बी एम मीटिंग स्पेस, मीटिंग स्पेस है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लेट कर लो दोस्तों एक ओपन स्पेयर। अच्छा, ओपन स्पेयर दिखने का तरीका जो है वो ये है, ये जो था रेडियस डिनोट करता है और ये सेंटर करता है, बी एन ओपन स्पेयर, ये एक ओपन स्पेयर है। अब ओपन स्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, ओपन स्पेयर डेफिनेशन ये बनती है वो सारे पॉइंट्स जिसकी डिस्टेंस सेंटर्स है ना, वो सारे पॉइंट्स एक्स जो कहाँ से आने चाहिए, कैपिटल एक्स है यानी कि जो मीटिंग स्पेस है वहाँ से आने चाहिए, सच दैट जिसकी डिस्टेंस पॉइंट्स एक्स नॉट से लेस देन आर नॉट हो, ये कंडीशन है ना, यानी कि डिस्टेंस जो होनी चाहिए सही एक्स नॉट है, यहाँ तक आर नॉट हो गया तो इससे कम कम जो आएंगे, इस डिस्टेंस से कम 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 मतलब यहाँ जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स स्पेयर के अंदर आ जाते हैं, ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें करना क्या है, आखिर हमें इस स्पेयर को ओपन सेट दिखाना है। चलिए लिख दीजिए वी आर टू प्रूफ हमें दिखाना है ये कंडीशन इज एन ओपन, हमें दिखाना है भाई ये ओपन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इतना समझ में हमारा आ गया। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे इसको ओपन दिखाने के लिए, फॉर दिस इसके लिए हम क्या करते हैं एक आर कंसिडर करते हैं जिसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, देखो आर नॉट माइनस एक्स एक्स नॉट, ये क्वेश्चन फर्स्ट बोल देते हैं, एक रेडियस मतलब एक डिस्टेंस कंसिडर कर ली। ओके, अब जो डिस्टेंस हमारे पास ये आई है ना, इसी डिस्टेंस का हमें स्पेयर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और इस स्पेयर को हम दिखाएंगे अपने अपने वाले स्पेयर के अंदर, तो अगर ऐसे दिखाने में हम कामयाब हो गए तो हमारा वाला जो स्पेयर होगा ना वो आखिर में ओपन सेट बन जाएगा, डन हमारा काम हो गया। तो हम एक ओपन स्पेयर कंसिडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस इतनी होनी चाहिए। ओके चलिए, वी कंसिडर ए कंसिडर एन ओपन स्पेयर, चलिए हमने कंसिडर कर लिया एक्स आर एक्स, ये छोटी ब्रैकेट होनी, ये ब्रैकेट छोटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, वाई पॉइंट्स होंगे, तो कहाँ से आए होंगे, कैपिटल एक्स से आए होंगे। ओके, सच दैट इस तरीके होंगे जिसके डिस्टेंस सेंटर वाले पॉइंट से वाई वाले डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, या वाई एक्स कर दो या एक्स वाई कर दो, लेस देन आर, ये हो जानी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि डी आपका मैट्रिक स्पेस है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो हमने ओपन स्पेयर लिया है वो अपने वाले सेट के अंदर भेज देते हैं। अगर ऐसे भेजने में हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारा जो ओपन स्पेयर था ना वो ओपन सेट बन जाएगा, काम कंप्लीट। तो अब इसका क्या करेंगे, हम कैसे सेट करते हैं, हम लोग कैसे एक सेट को दूसरे सेट के अंदर दिखाते हैं, वो हमारे पास कंडीशन है कि अगर हम किसी सेट ए का कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, कोई कंडीशन ऐसी लग गई जिसकी वजह से वो एक्स एलिमेंट मेरा किसी दूसरे सेट के अंदर चला जाता है, तो पहला वाला सेट जो होता है दूसरे सेट के अंदर चला जाता है ना, ये कंडीशन बन जाती है। तो मुझे यही तो दिखाना है ना, ओपन के लिए यही तो कंडीशन होती है कि इंटरवल कंटेन टू सेट। तो मैं क्या करूँगा, इस ए का यानी ए हमारा कौन है, ये
इसका मैं कोई एलिमेंट लेके चलूंगा, वो एलिमेंट मेरा कहाँ चला जाए, इसके अंदर। तो ये पूरा सेट क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा। बस इतना सा काम है मेरा। तो मैं अपने स्पेयर का जो मैंने कंसिडर किया है उसका मैं पॉइंट लेके चलता हूँ एक। तो मैंने ले लिया लेट वाई बिलोंग करता है एक्स आर एक्स को। अच्छा ये इसको बिलोंग करता है, तो आप क्या सोचेंगे? आप ये तो कहेंगे सर ये अगर इसको बिलोंग करता है तो अगर मैं सेंटर से इस सेंटर से इस वाई की डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या आएगी, वो लेस देन आर आएगी नहीं आएगी? यानी कि इस वाई के साथ इसकी डिस्टेंस इस आर से क्या आनी चाहिए, कम। ठीक है ये कंडीशन हो जाएगी मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब हम क्या करें, अब हम जो है ना एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मिट्टी की स्पेस की प्रॉपर्टी, वो हम अप्लाई कर लेते हैं। वो आप लोगों ने पढ़ी हुई प्रॉपर्टी नंबर जो 4 होती थी हमारी, याद है ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी वाई एक्स एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू वाई से एक्स और प्लस डी एक्स से एक्स नॉट तक। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, ये डिस्टेंस जो है मेरी इस आर से क्या है, कम है। तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ यहाँ यूजिंग टू। जैसे मैंने यूजिंग टू करा तो मेरे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए बताइए? मेरे पास कंडीशन यही तो आएगी कि ये पार्ट मेरा छोटा है, इससे बड़ा पार्ट मेरा आर है। जैसे मैं बड़ा पार्ट यहाँ रखूँगा आर, तो ये इक्वल वाला साइन जो होगा हट जाएगा, है ना, क्योंकि आपने छोटे नंबर की जगह एक बड़ा नंबर रख दिया है। तो ये इक्वल वाली कंडीशन अब खत्म हो जाएगी, ग्रेटर वाली कंडीशन ही रह जाएगी आपकी बस। तो एक्स एक्स नॉट। अरे दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से देखो कि आर कुछ था यहाँ से मिला ना आर, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो यूजिंग कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। जैसे ही मैंने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया तो आपके मन में सबसे बड़ा ख्याल क्या आया, सर यहाँ पर अगर आपने आर का यूज़ कर लिया तो ये जो डिस्टेंस वाली बात आ रही है एक्स एक्स नॉट ये प्लस डी एक्स एक्स नॉट, ये जो आया है आपका ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो आपके पास क्या कंडीशन आई, वाई एक्स एक्स नॉट लेस देन आर नॉट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक्स नॉट और वाई की डिस्टेंस आर नॉट से कम है। और आर नॉट दोस्तों है क्या, आर नॉट तो हमारे स्पेयर का, हमारे जो स्पेयर था उसकी रेडियस है आर नॉट। इसका मतलब आर नॉट रेडियस है एक्स नॉट से, उस पॉइंट की डिस्टेंस कैसी है? देखो ये कंडीशन तो आ रही है, अगर स्पेयर ले लें और एक्स नॉट डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी आर नॉट है। तो अब ये जो वाई है एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस आर नॉट से कैसी, आर नॉट के साथ कैसी है, सॉरी एक्स नॉट के साथ कैसी है, आर नॉट से कम है। इसका मतलब आपकी कंडीशन यहाँ तक कहीं वाई होगा। तो वाई अगर इसके इतनी डिस्टेंस पर है तो आप ये तो कहेंगे सर कि आर नॉट से देखो कम आ रहा है, कम आ रहा है तो इसका मतलब कहाँ है, स्पेयर के अंदर ही हो गया। तो ये स्पेयर के अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कि वाई जो बिलोंग करेगा वो आपके स्पेयर को बिलोंग कर जाएगा, वो आपके स्पेयर के अंदर ही है। अब दोस्तों देखिए ये वाई एक्चुअली था कहाँ, ये था किसी स्पेयर के अंदर, ओके। फिर ये क्या हुआ, किसी और सेट के अंदर कंटेन कर गया। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, वाई एक आर्बिट्री पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, रैंडमली कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपका स्पेयर था ये वाई एक्चुअली में उसके अंदर था और ये आ गया इसके अंदर, ठीक, कंटेन्ड हो गया एक्स नॉट आर नॉट। बस इतनी सी बात है, इससे क्या कहेंगे, हिंस। इसी बात को आप ये कह देंगे, ऊपर लिख जाओ, चलिए मैं इसको हिंस, जो एक्स आर नॉट एक्स नॉट है ना इज एन ओपन, ओपन सेट कह दीजिए, ओपन कह दीजिए, बस ओपन सेट। बस हमें यही प्रूफ करना था। तो मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, अस्सलाम वालेकुम।